नमस्ते, मैं मोनिशा आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड और गाइड आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप सभी का फ्रॉम माय हार्ट एंड सोल थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, आप मुझे लाइक्स देते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरे जो वीडियोस हैं एक स्पेसिफिक नीश के लिए हैं, ये सभी के लिए नहीं है। मैं पहले बहुत जनरल मोटिवेशनल वीडियोस बनाती थी, लेकिन 2019 से मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हूँ, तो मेरे वीडियोस भी उसी जॉनरा में हैं। तो मेरे वीडियो सभी के लिए नहीं है, मैं जो बोलती हूँ वो सबको समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगी कि मेरे वीडियोस के कंटेंट थोड़े से चेंज हो रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। और मैं जिस फेज से, जिस सर्कमस्टांसेस से गुजरती रहती हूँ, उसी टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है। मुझे लगता है कि वी कैन शेयर एवरीथिंग विद ईच अदर, हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, और मुझे बिल्कुल भी कोई झिझक महसूस नहीं होती आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करने के लिए। आज मैं आपके साथ कुछ और पर्सनल बातें शेयर करूँगी। आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको लगता होगा कि मैं, मेरी लाइफ बहुत ही सॉर्टेड है, मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है। हाँ, मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया है, जो जो मैं चाहती थी मैंने वो सब पाया है, लेकिन आपकी, आपको ये नहीं पता कि मैं कितना टेस्ट देती हूँ, मेरी लाइफ कितनी केओटिक रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड आफ्टर द स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस मैं कॉन्स्टेंटली टेस्ट आफ्टर टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रही हूँ। तो बैक टू बैक मेरे 3 टेस्ट हुए, जिसमें फ्रॉम ए वर्ल्डली व्यू इट विल लुक लाइक ए फेलियर। सबसे पहला बहुत ही भयंकर टेस्ट था, जब जिस व्यक्ति से मैं अंतरात्मा से प्यार करती थी, उनसे मुझे बहुत ही हर्ट मिला, काफ़ी धोखा मिला, उस जिससे मुझे एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा मिला। उस ट्रॉमा को हील करते करते मैं करने के लिए उस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने अपने आप को पढ़ाई में डुबा दिया। आई स्टार्टेड स्टडिंग, गोइंग बैक टू स्टडीज, एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, एक साल प्रिपेयर किया हार्डकोर, अपना सब कुछ छोड़ के मैंने प्रिपेयर किया, लेकिन उसमें भी मुझे नाकामयाबी मिली। लेकिन मैंने उसको फेलियर के पर्सपेक्टिव से ना देखते हुए, उसको एक एक्सपीरियंस के नज़रिए से देखते हुए मैं आगे बढ़ी। देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई गॉट फायर्ड फ्रॉम ए जॉब, जहाँ पे मैंने अपना 100% दिया। मैंने अपने रिलेशनशिप में भी 100% दिया, अपनी पढ़ाई में भी 100% दिया, अपनी जॉब में भी 100% दिया,